आर आइडेंटिकल इन सीक्वेंस टू शॉर्ट स्ट्रेचिज ऑफ पोपैथोजन ड्राइव पोलीपेपटाइड एंटीजन कैन बी ईजीली एंड इकोनॉमिकली सिंथेसाइज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आ, आपके पास एक एंटीजन है और एक एंटीजन अल्टीमेटली उससे क्या बाइंड करती है एंटीबॉडी बाइंड करती है तो फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस टिश्यू पेपर जो मेरे हाथ में है एज अ बिग एंटीजन या मैं इसको एज एन एंटीजन ले लेता हूं तो एंटीबॉडी ने आना है और एंटीबॉडी ने आके इसके साथ आराम से बाइंड कर लेना है लेकिन अगर मैं इसको मैप करूं कि जिस तरीके से ये पेन इस पर्टिकुलर टिश्यू पेपर के अंदर गया हुआ है तो देर विल बी सम कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, कॉन्टेक्ट एमाइनो एसिड होंगे जो इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं नाउ हाउ अबाउट इफ वी ओनली मेक दैट पर्टिकुलर रीजन और हम उसके खिलाफ अल्टीमेटली इम्यूनाइजेशन करवाएं ग्रेट डिजाइन ऑफ एंटीबॉडीज इजो मैं बहुत एडमायर करता हूं कि एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आर वेरी हार्ड बीटा शीट्स आर वेरी हार्ड तो जब हम इम्यूनोगोगलोब्यूल uh, का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर अगर आपको याद होगा तो काफी सारी जो बुक्स हैं उन्होंने कुछ डायाग्राम ऐसी बनाई होती है ज नॉट प्लेइंग बॉल विद मी बट लेट सी ये जो आपके रीजनस है ना इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं लूप्स और ये जो लूप्स हैं आ, वाई देअर इट्स लूप लाइक -like स्ट्रक्चर वाई इट्स नॉट अ स्ट्रांग एल्फा और बीटा शीट इसलिए कि लूप्स आर वेरी फ्लेक्सीबल और उस फ्लेक्सीबिलिटी का आपको क्या फायदा होता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सीबल लाइक दिस टिश्यू दैट इट कैन एक्चुअली बाइंड टू दिस और इट कैन एक्चुअली अकोमोडेट माई फिंगर एज वेल अगर मैं इस रिंग को लूं तो वो इसको भी बाइंड करेगा तो इट्स बींग ड्रिवन बाई टू थिंग्स एक तो इन रीजन्स के अंदर जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है टू बाइंड दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्लीमेंटेरिटी द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम अब हम उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं कि अगर हम अपने जो हमारा एंटीजन है उसकी हम क्वांटिटी बिल्कुल ही छोटी कर दें एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पेप्टाइड वैक्सीन द फर्स्ट टाइम इट वाज ट्राइड इन नाइनटीन सिक्सटी इट वॉज विद हेग्जा पेप्टाइड यानी कि सिर्फ छइनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड को बेसिकली एन्जाइमेटिक डाइजेस्ट के अगेंस्ट जो टोबेको मोजेक वायरस का था उसके खिलाफ जब यूज किया गया तो अल्टीमेटली दे सॉ देट इट कैन कॉन्फोर लिमिटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्शन अगेंस्ट सबसिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटेक्ट वायरस सो इट वॉज अमेजिंग सिर्फ छो ए लॉन्ग स्ट्रक्चर से भी अल्टीमेटली यू दे कूड गेट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन दिस पर्टिक्यूलर इमेज यू सी आ टोबेको मुजेक वायरस जिसमें ऑब्वियसली दिस इज आर एन एंड दिस इज वट वी कॉल प्रोटोमर प्रोटीन एंड हियर यू कैन सी समथिंग फ्रॉम द कैपेड तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप किसके खिलाफ वैक्सीन बना सकते हैं ऑब्वियसली यू कैन मेक वैक्सीन अगेंस्ट टू एंड यू कैन मेक वैक्सीन अगेंस्ट थ्री सिमिलरली डिफरेंट सिंथेटिक वैक्सीन हैव ऑल्सो बिन कॉन्स्ट्रक्टेड दैट कॉन् इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इंक्लूडिंग डिप्थेरिया एंड कॉलोरा कपलिंग टू अ कैरियर इज जनरली रिक्वायर्ड टू एलिसिट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अब यहां पर एक बहुत बड़ा कैबियट आता है वो कैबियट ये है कि आप अपनी तरफ से पेप्टाइड को छोटा कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ यू हैव टू पुट अ कैरियर अराउंड इट ताकि आप ज्यादा अच्छा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ले सके सम कैरियर्स आर इन एप्रोप्रिएट बिकॉज दे कॉज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन पर्टिकुलरली वेन रिपीट इंजेक्शन आर अंडरटेकन इन वन ऑफ द अर्लियर टॉपिक्स वी डिस्कस दैट हाउ सम पीपल आर अगेंस्ट वैक्सीन एंड समाइम्स सम कंसर्नस आर जेन्यन जिसमें सम ऐसी चीजें भी होती हैं कि कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं टू सम कैरियर एंड एक्चुअली जो एंटीबॉडी है या जो अल्टीमेटली जो आपने एंटीजन किसी को दिया है वैक्सीनेशन के लिए वो कम डैमेज कॉज करता है लेकिन आ, जो एक कॉन्जुगेट है जो आपने उसके साथ दिया है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ज्यादा करने के लिए वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बट सच डिफिकल्टीज कैन बी एवॉडेड बाई केयरफुल चॉइस ऑफ कैरियर जिसके अंदर वन वेरी गुड एग्जाम्पल इज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड विच बीन यूज अ कैरियर फॉर पेपटाइड ड्राइव फ्रॉम इन्फ्लुएंजा हिमेग्लूटिन एंड प्लाज्मोडियम फेल्किपैरम आपको प्लाज्मोडियम याद है क्या कॉज करता था मलेरिया तो अब मोमेंट वी डोंट हैव वैक्सीनेशन अगेंस्ट मलेरिया बट एटलीस्ट इट्स इन प्रोग्रेस बट पेप्टाइड गिव यू एडवांटेज जिसमें आपके पास एंटीजेंस आर प्रिसाइसली डिफाइंड अभी हमने ये जो बात की थी एंटीजेंस की अगर आपके पास एक प्रिसाइस precise, प्रिसाइसली uh, अगर आपके पास एक एक स्पेशल कंट्रोल हो तो एटलीस्ट यू कैन अल्टीमेटली रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर वैक्सीन स्टेबल एंड चीप प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्योंकि अब आपने जो एक्स्ट्रा जंक प्रोड्यूस करना था जिसकी आपको ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं थी वो आपको नहीं करना पड़ा आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज इट अगेन क्योंकि जब आप एक बहुत ज्यादा चीजें अल्टीमेटली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से प्योरीफाई कर रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप जस्ट सिंथेटिकली अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं जिसमें सिर्फ माइनो एसिड है तो ऑब्वियसली मुझे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और वो सारी की सारी कॉस्ट खत्म हो गई यू कैन इजिली प्योरीफाइड विद सिंपल हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लेकिन हमें वो जो बिग एफिनिटी कॉलम्स हैं वो रन नहीं करने पड़ते बट देर आर द टी सेल्स आर नॉट रेडिली स्टिमुलेटेड बाई सिंथेटिक पेप्टाइड एंड नॉट एप्लीकेबल टू ऑल वायरसे स्पेशली स्मॉल वायरसेस तो टी सेल्स क्यों स्टिमुलेट नहीं होते टी सेल्स इसलिए स्टिमुलेट नहीं होते कि अभी तक हम लोग जो हमारी लिमिटेशन है प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिहाज से कि अल्टीमेटली हम उसको एग्जैक्टली exactly उतना अच्छा फोल्ड नहीं दे पाते जितना अच्छा फोल्ड नेचर में एक प्रोटीन खुद एज्यूम करती है दीज आर स्मॉल पेप्टाइड्स तो आ, फिर भी सम हाउ अगर एक चीज हम नेचुरली प्रोड्यूस करें तो उसके को का रिजल्ट बेटर आता है बट वी आर Trying to ultimately overcome the thermodynamic barriers uh, which come in our way while we are design, trying to design small peptides.